झटपट चलू तो चल कह गरी मन एकाग्र करके अपना जितना झमेल होगा उसको बाहर छोड़ के कथा स्थान पर यदि आप आए हैं
तो ही कल सेवरी का भक्ति में आपको बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब भी कहीं भगवान की कथा हो तो निष्ठा पूर्वक, धर्म पूर्वक और भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। कल आपने सुना कि रुक्मणी के साथ जो राजा रुक्मणी की बहन थी रुक्मणी जी, और रुक्म का साथी शिशुपाल था, इन दोनों को हरा करके, और इतना ही नहीं कृष्ण भगवान रुक्मणी जी का हरण करके अपने द्वारिकापुरी में ले गए रुक्मणी मैया के साथ। श्री कृष्ण जी का पाणी ग्रहण संस्कार कल आप सभी ने देखा। वही रुक्मणिया जब द्वारिका में पधारती हैं तो उनसे प्रद्युमन जी का जन्म होता है, और वो प्रद्युमन जी एक समरस राक्षस रहता है जिनकी वो हत्या कर देते हैं। इतनी उनमें वीरता थी, जैसे श्री कृष्ण का दूसरा रूप हो। भाई और बहनों, भादो में एक दिन आता है गणेश चतुर्थी, तो ऐसा कहा गया है कि गणेश चतुर्थी का जो चांद देखता है उसको कोई न कोई कलंक साथ में जीवन में लगता है, ठीक ना? जीवन में हर इंसान के एक कलंक लगता है। तो अब ये देखिए, श्री कृष्ण भगवान जी रुक्मणी जी से परिग्रहण हुआ, फिर 16,108 रानियों के साथ भी वही हुआ। कृष्ण भगवान हमें आपको कैसे स्पर्श कर सकते हैं, जहाँ हमारी कई कुविचार, कई पूजा, मान मोह लोभ सब हमारे साथ है। परमात्मा निर्विकल्प हैं, परमात्मा के साथ कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान जी की ये कथा आप सभी हृदय से श्रवण करें। परमहंस सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजीत भगवान सूर्यदेव का बहुत ही बड़ा भक्त था, और वो उसने भक्ति करके सूर्य भगवान को अपना मित्र बना लिया, और जब आने लगा तो सूर्य भगवान जी सत्राजीत को अपना एक मणि दिए, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। सत्राजीत जब उस मणि को लेकर के द्वारिका में आ रहे थे तो दूर से जब लोग देखे तो ऐसा लगा कि मानो दूसरा सूर्य इस पृथ्वी पर आ गया है। सभी उसकी मान बड़ाई किए कि आप सूर्य लोक में जा करके सूर्य नारायण से ये समयंतक मणि लेकर के आए हैं, प्रभु आप बहुत भाग्यवान हैं। और वो समयंतक मणि का प्रमाण ये है कि वो मणि जहाँ रहता था 10 तोला सोना स्वर्ण, उसी समय सुबह सुबह वो दे देता था। जैसे वो सत्राजीत पहुंचा सभा में तो कृष्ण भगवान देखने और जो उस मणि को पहन के, लेकिन जब जंगल में गया, बहुत घनघोर जंगल में चला गया, तो जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा थी, उससे पहले सत्राजीत की एक शेर से मुकाबला होगी बाघ से, और वो बाघ सत्राजीत को मार दिया, और उस मणि को लेकर के अंदर में ही चला गया। अंदर कहा गया कुछ, अंदर उसको मारा था, वो मणि वहाँ था, लेकिन उसी गुफा के अंदर एक वृक्ष रहते थे जामवंत जी, भालू जी को हम कहते हैं, लेकिन वो भालू कुछ साधारण नहीं थे। वो त्रेता युग में जो राम के अवतार में जामवंत जी थे, वही जामवंत जी जो प्रभु श्री राम की सेना के सेनापति बने थे, वो जामवंत त्रेता युग से लेके अभी सोचिए 5,500 साल पहले द्वापर युग थी, तब तक गुफा में थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था जामवंती, वो जामवंती उस मणि को ले जाके अपने कन्या को दे दिए, बेटा आप खेलोगे इससे। अब सत्राजीत के जितने भी सैनिक थे सभी वापस आ गए। कुछ दिन में ये होने लगा कि भाई हो सकता है कृष्ण जी को लोभ लगा रहा समय तक मणि का, तो वही तो कहीं मारू के ऐसा था। ये कलंक देखिए, भगवान श्री राम को भी ये कलंक लगा था, नहीं वो धोबी बोल दिया था कि मैं राम नहीं हूँ जो सीता जी लंका में 1 साल रही उसको फिर अपना पत्नी बना लिया, ऐसा वो धोबी बोला था। तो ये कलंक अब कृष्ण भगवान के ऊपर ये कलंक लगा कि नहीं वही उस मणि को लिए होंगे, लेकिन इधर बस देव जी महाराज और मैया देवकी को भी अच्छा नहीं लगा,
श्री कृष्ण भगवान बोले मैं जा रहा हूँ मणि का पता करने। अपने साथियों के साथ श्री कृष्ण भगवान जी उस जंगल में जाते हैं जहाँ जामोहन जी महाराज रहते हैं, और वहाँ जाने के बाद अपने सभी साथियों से श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि अगर मैं 15 दिन के अंदर बाहर आ जाऊँगा गुफा से तब तो ठीक है, और नहीं आया तो आप इस गुफा को बंद करके चले जाना। अब सभी साथी लोग वहाँ तक तो ठीक बंद करके वापस चले गए, और वापस जाने के बाद बसदेव जी महाराज और माँ देवकी से बता दी कि कृष्ण जी 15 दिन हो गए नहीं निकले, हमें ऐसा सब बोले थे। तुम लोग को अब सब कुल लगने लगा सभी द्वारकापुरी वासियों को। तो बसदेव जी महाराज, ये देवी भागवत में आपको एक कथा मिलेगी, बसदेव जी महाराज और देवकी मैया माँ दुर्गा का यज्ञ शुरू करवा दिए, इसलिए कि किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा अगर आ जाए तो देखिए दुर्गा माँ देवताओं की भी सहायता की है। जब बड़े बड़े रंभ करम महिषासुर जैसे दानव इस धरती में प्रकट हुए थे तो माँ महामाया जगदम्बा दुर्गा जी हैं जो सभी सृष्टि को शांत रखती हैं, वो माँ भी है। और उधर श्री कृष्ण भगवान जैसे वहाँ अंदर गए तो देख रहे हैं कुछ मणि को ये जामवंत की पुत्री जामवंती जो थी वो खेल रही है मणि के साथ। तो कृष्ण भगवान उस कन्या के पास गए, बोले ये मणि हमें दे दो। कन्या बोली हम नहीं देंगे, हम इससे खेलते हैं। बोले दो, नहीं देंगे। ऐसा कृष्ण भगवान उस बच्ची का कुछ देर होता रहा, फिर जामवंत जी को जाके वो कन्या बता देती पिताजी कोई यहाँ आया है मणि को छूने का और छीनने का प्रयास कर रहा है, मान रहा है। जामवंत जी उधर से आए देखे कि हाँ ये तो सही है, पर जामवंत जी बोले ये मणि ऐसे तो नहीं मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? बोले युद्ध करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण महाराज की और जामवंत जी की जब युद्ध होने लगी तो कई प्रकार से युद्ध हुआ है, गदा युद्ध हुआ है, मल युद्ध हुआ है, हर तरह से युद्ध हुआ। एक भक्त था, एक भगवान थे, और ये जामवंत वही है जब वामन अवतार हुआ था, और वामन अवतार में भगवान जब वामन जी अपना पांव तीनों लोक में फैलाए थे उस समय सोचिए वामन भगवान का जब पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक पांव गया होगा तो कितने बड़े रहे होंगे। उस समय ये जामवंत जी महाराज वामन भगवान का 3 परिक्रमा किए थे, ऐसा रामायण में उदाहरण। जब लंका जाते समय सभी बंदरों से जामवंत जी प्रार्थना करते हैं कि लंका में कौन जाएगा, तो अपने शक्ति का वो प्रदर्शन किए थे, बताए थे कि जब मेरी जवानी थी उस समय त्रिविक्रम अवतार जब भगवान का हुआ था, मतलब बलि वामन का रूप धारण किए थे और तीनों लोग को नाप रहे थे, उस समय भगवान का मैं 3 परिक्रमा किया हूँ लेकिन आज बूढ़ा हो गया हूँ। वही जामवंत श्री कृष्ण जी के साथ 6 माह तक युद्ध किए, न ये हारे न वो जीते, अंत में जामवंत जी परास्त हो गए और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर गए। फिर श्री कृष्ण भगवान जी अपने राम स्वरूप का दर्शन जामवंत जी महाराज को दिखाए, जामवंत जी प्रभु श्री राम का दर्शन किए श्री कृष्ण जी के रूप में और उनके चरणों में गिर पड़े, और फिर अपनी कन्या जामवंती का पाणी ग्रहण श्री कृष्ण जी महाराज के हाथों में करा के वहाँ से विदाई किए। कृष्ण भगवान की ये दूसरी धर्मपत्नी बनी जामवंती जी, और समयंतक मणि सहित अपने धाम द्वारकापुरी को पधारे, पूरा गांव जय जयकार करने लगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। एक भौमासुर असुर था, वो बहुत से राजाओं को कैद करके रखा था। श्री कृष्ण भगवान जी ने उनका भी उद्धार किया और सत्य बाबा जी के साथ पाणी ग्रहण के इस तरह से अनेकों भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह हुए। लेकिन जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम
बलहारी रात श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी रात श्याम श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 विशाला गले सोहे बैजंती माला सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोहे बैजंती माला गले सोहे बैजंती माला गले सोहे बैजंती माला या जब की बलिहारी जब की बलिहारी राधे श्याम 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 या जब की बलिहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए और रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास ही बने रहते हैं। अब रुक्मणी जी महारानी जो है प्रथमा श्री कृष्ण की पट रानी, उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम है प्रद्युमन। ये प्रद्युमन जी कौन है? ये वही प्रद्युमन है कि भगवान शिव जी जब तीसरा नेत्र खोले थे, कामदेव को भस्म किए थे, वही आज द्वापर में प्रद्युमन के रूप में उनका जन्म हुआ है और रति से उनकी शादी होती है। ये कथा शिव पुराण में है। प्रद्युमन चारुदेशन सुदेशन पराकर्मी चारुदेह सुचारु चारु भद्र भद्र चारु चारुनंद विचार। और एक पत्नी का नाम था श्री कृष्ण जी के सत्या। अब इनके गर्भ से वीर चंद्र अश्वसेन चित्रगुप्त वेगमान वृष आम शंकु वसु और कुंती ये 10 संतान उत्पन्न हुए। कितने हुए? 3। विष्णु भगवान के बहुत तुम्हें आज नहीं जानता जाना पड़ा है, भागवत तो बहुत सुनते हैं। तो कृष्ण भगवान जितने सब बच्चे हैं जान रहे थे, प्रद्युमन जी को सब जानते हैं। ये वर्षा ऋतु आवत है जो त्रिपाल ऊपर करवाए और फिर उनकी धर्म पत्नी कौन है? एक यमुना मैया जो वृंदावन में ही बह रही है, सूर्य पुत्री यमराज की बहन है। और वो कालिंदी भी उनका नाम है। उनके गर्भ से श्रुति कवि वृष वीर सुबाहु भद्र शांति दर्श पोमास और सोमक
ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा सरस्वती निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मती से भी विवाह हुआ था। महाराज प्रद्युम्न के दो पत्नियां, एक तो रति, पहले कामदेव थे वो रति थी, रति का भी जन्म इस द्वापर में हुआ और पुनः वो प्रद्युम्न जी से पाणी ग्रहण हुआ। रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण से पुराना बैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पौत्र अपने दोहित अनुरोध के साथ कर दिया। परीक्षित जी, अनुरोध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री कृष्ण बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न जी, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर आए। जब विवाह निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो गया तब कलिंग नरेश आदि नरपतियों ने कहा, तुम पासों के खेल में बलराम जी से को जीत लो, उन्हें पासे डालने नहीं आता है, किंतु उन्होंने